भिवंडी शहर के कई गणमान्य व्यक्तियों ने नव वर्ष पर भिवंडी की जनता और देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी की पूरी टीम की तरफ से सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार भिवंडी वासियों, 2023 कल से शुरू हो रहा है। मैं सभी भिवंडी वासी और जितने भी हमारे जो न्यूज के द्वारे इस चैनल के वजह द्वारा जो लोग देख रहे हैं उनको मैं आने वाले कल नए दिन की और नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। 2022 में कोरोना लगभग ख़त्म हुआ था, ख़त्म ही है, और 2023 में मुझे लग नहीं रहा है कि कोरोना का किधर है। खाली अफवाह आ रही है, लेकिन प्रिकॉशंस लेना भी बहुत ज़रूरी है। 2023 भिवंडी वासियों को बहुत खुशहाली से जाए और आनंद में जाए, यही सब शुभकामनाएं। 2023 नए साल पर भिवंडी शहर के वासियों को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं जिस तरीके से हर साल जो एक भिवंडी शहर से एक संदेश जाता है हिंदू मुस्लिम एकता का, वैसे एक संदेश हमेशा जावे और सब लोग मिलजुल कर रहे। आने वाला जो भी 2023 का चाहे त्यौहार हो, चाहे इलेक्शन हो, चाहे जो भी हो, सब मिलजुल कर शांति से अपना करें। और उम्मीद करता हूँ कि भिवंडी शहर के सभी लोगों को आज इस शहर के विकास की बहुत सख्त ज़रूरत है। सब लोग मिलजुल कर इस शहर के विकास के बारे में सोचें और सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे देशवासियों को नए साल की मेरी तरफ से सबको शुभकामना, और एक रिक्वेस्ट और करूँगा, कोरोना का लहर चल रही है, बहुत संभल के रहें, मास्क का पहनना कंपलसरी है, उसको पहने और अपनी हिफाजत खुद करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान शेख, महाराष्ट्र दक्कन मुस्लिम सेवा संघ का अध्यक्ष। मैं तमाम भिवंडी वासियों को और तमाम मेरे देशवासियों को नए साल की बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि ये साल तमाम देशवासियों के लिए अच्छा गुजरे और सिस्टम जो हमारा ख़राब हो चुका है वो लोग सिस्टम में सुधारने में हमारे लोग मदद करे, जो सरकार वगैरह मदद करे, मैं इसके अंदर ये करता हूँ। और सबको, तमाम भिवंडी वासियों को और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ नए साल की। मैं सभी भिवंडी वासियों को, ख़ास तौर से और सभी देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। और 2022 में राहुल गांधी जो संदेश लेकर पूरे देश की पद यात्रा पर निकले हैं, तकरीबन 2800 किलोमीटर से ज़्यादा उन्होंने सफ़र तय किया है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो ये संदेश लेकर इंशाअल्लाह ताला नए साल में श्रीनगर में झंडा फहराकर ये यात्रा एंड होगी। मैं इस यात्रा के लिए शुभेच्छा देता हूँ, साथ ही इस शहर के नौजवानों को रोज़गार मिले, हमारा शहर तरक्की करे और खुशहाली आवे, इसके लिए मैं सभी को शुभेच्छा देता हूँ। मैं भिवंडी वासियों को और देशवासियों को नए साल का हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ और मैं अपेक्षा करता हूँ कि जो जो चीज़ समाज के अंदर गलत चल रही है उसके खिलाफ़ में लड़ने की शक्ति उनको मिले और वो लड़े इस नए साल में, इतनी ही शुभकामनाएं देता हूँ। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।